एक 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 छोटे से क्वेश्चन कर ले एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे बढ़ने से पहले। ठीक ओके सर। चलिए ठीक है, तो आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बट उसको दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इसमें जो मेन जो टू मेथड्स है तो वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज एलिमिनेशन। उसके बाद वैसे तो और भी है, ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड है दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्राफिकली का एक क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हम अलग से करेंगे। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है बट जब हम एल्जेब्रिकली बात करते हैं तो ये दो मेथड हमारे को आने चाहिए क्योंकि ये हमारा हमारा बेस बनाते हैं। बाकी ग्राफिकली का एक क्वेश्चन हर साल आता है कि आपको ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये आपको आना ही चाहिए। तो आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड्स को एक बारी फिर से देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्स्टिट्यूशन? कुछ आइडिया देंगे आप? सर ये घटाना की जगह। हाँ जी बोलिए। करना। हाँ जी। सर एक नंबर की जगह दूसरे नंबर को रिप्लेस करना, मतलब फर्स्ट कोई एक फर्स्ट नंबर है उसकी जगह कोई सेकंड नंबर को डालना। चलिए सही कहा आपने, फर्स्ट नंबर की जगह करते बट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे की वैल्यू डालना। क्लियर। अब हम इसका बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक से हम अपनी इक्वेशन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मतलब आगे का बेस आपका बन जाता है। तो हमेशा जब भी ये चैप्टर शुरू होता है तो हर कोई यही कहता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें किसी एक चीज की आप वैल्यू निकाल के उसको सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं तो मैं किसी एक की, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो स्टार्ट करते ही नाउ इक्वेशन वन क्या है अपनी 2x + 3y = 5। ओके, तो 3y जब 2x को इक्वल टू के साइन के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
5 - 2x = यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 - 2x / 3। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, y की। क्लियर, आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जनरली सेकंड में करते हैं। इक्वेशन टू में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, एक मिनट, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर, तो अब सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारी 3x + 2y = 5। अब इसमें हम इसकी y की वैल्यू डालेंगे तो कैसे डालेगी, 3x तो ऐसे का रहा 2, अब यहाँ पे 2 के साथ है y, और y की वैल्यू क्या निकली हमारी, ये वैल्यू निकली, इसको हम इधर पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट में आएगा 5 - 2x / 3 = 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बेसिक थिंग है, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई, 2 by 3 = 5। अब हम थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपल है, अब इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा तो 3 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 9x + 10 - 4x, पूरे के नीचे 3 आ जाएगा क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया। क्लियर, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया इसके साथ। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9x + 10 - 4x = 5 - 3 = 15। तो हाउ मच इट कम्स टू 9x, ओके 9x - 4x 5x / 10 ये आपका, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5x + 10 = 15। 5x = 15 - 10, 5x = 15 - 10 comes out to be 5. x = 5/5, and the value of x we have got is 1. So by substitution method, the value of x is 1. Now this value you can put in any of the equation, कोई भी equation 1 में भी डाल सकते, equation 2 में भी डाल सकते। So by substitution now putting the value of x then equation 1. So हम equation 1 में अपने x की value डाल रहे हैं। Now let us see what was our equation 1. We have started, our equation 1 was 2x + 3y = 5. So 2x + 3y = 5 was our equation 1. Now we are putting the value of x in equation 1.
2, in place of x we are putting the value 1 which we have received here, plus 3y equals to 5. Such an easy way of doing it. Plus 3y equals to 5. And now it comes out to be plus 3y equals to 5 minus 2. 3y equals to 3. Y equals to 3 upon 3. And y equals to 3 missing 3. 1. So what we have received? We have received the value of y as? We have received the value of y as 1. Okay, and the value of x also we have received 1. So the answer is x equals to 1, y equals to 1. So this was a substitution method. We are going to take a quick recap. Ek bari recap le lete hi apne kis kis tarike se kiya. This was the first method. Isme main aapko ek bari recap de deta hu. This was our equation. Ye hamari equation thi. Clear? 2x plus 3y equals to 5, 3x plus 2y equals to 5. अब हमने equation 1 ली तो उसमें क्या करा? इस equation को में y की value निकाली, ठीक है ना? अब y की value कैसे निकाली हमने? इसको variable form में x की value को एक तरफ कर दिया, तो x ये 2x जब उधर गया तो 5 minus 2x, 3y था, 3 नीचे bracket में आ गया. Oh sorry. डिवाइड में आ गया क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई था, तो y की वैल्यू आई 5 माइनस 2x अपॉन 3. तो यहां पर हमने y की वैल्यू ले ली. अब तो y की वैल्यू ली, उसे हमने इक्वेशन 2 में डाला. जरूरी नहीं आप इक्वेशन 2 में डालें, 1 में भी डाल सकते हैं. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. जनरली एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हो तो दूसरे इक्वेशन में डाल देते. तो आपने यहां पर इसमें इस पोर्शन में क्या करा है, सेकंड इक्वेशन थी 3x plus 2y equals to 5, तो y की जगह ये जो जगह है, okay, let me make it more clear for you. Okay, now this were our equation, okay. Now what we have done, we have taken equation 1. Equation 1 में हमने क्या करा, इसको y की terms में represent किया कि y की value क्या होगी, इससे y का value निकाली. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2x को हम उस तरफ ले गए, 5 minus 2x यहाँ पे plus का था, उधर जाके minus का हो गया, तो y की value क्या हुई, y equal to 5 minus 2x divided by 3. So this we have done. यहाँ पे हमने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाली. What is this? What we have done? Value of y. Okay, clear? जब y की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन किस टर्म में आ गई, x के टर्म में. इसमें x की वैल्यूज रहेगी. अब ये जो है, जो हमने y की वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन, तो उसको किस में डाला, सेकंड इक्वेशन में डाल दी. क्लियर? और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में हमने y की जगह पर क्या डाला, ये वाली वैल्यू डाल दी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकली थी. यहाँ पर देखिए y चेंज होकर इसमें चेंज हो गया, इस वैल्यू में चेंज हो गया. अब आगे चलकर हमने क्या करा, अब जब हमने ऐसे देखा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई थी, इसमें सिर्फ x की वैल्यू है पूरी इक्वेशन में. और ये आपको सिखाया हुआ कैसे सॉल्व करना, इसको हमने सॉल्व किया. X की टर्म में आ गई थी पूरी इक्वेशन. जब x की टर्म में पूरी इक्वेशन आई तो यहाँ पर हमारे लास्ट में क्या आई, x की वैल्यू आ गई. और जब x की वैल्यू आई तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. इक्वेशन यहाँ पे 1 में डाली हमने, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते थे आप. तो यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 में डाल दी वैल्यू, इक्वेशन 2 में डालोगे तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे हमने x की जगह क्या करा, अपने x की वैल्यू डाल. तो अगर ब्रीफली हम देखेंगे किस तरीके से इसने काम किया, तो कुछ इस तरीके से काम किया. क्लियर? जो हमारा स्टेप 1 था,
आपने किसी एक टर्म में या तो आप y की वैल्यू ले ले यहाँ पर, नहीं तो आप x की वैल्यू भी ले सकते हैं। आप x की वैल्यू इस तरीके से हो जाती है, अगर आप करते हैं, इसको करने के बहुत तरीके हैं, जैसे 2x + 3y = 5। आप इसको इस तरीके से देखो, 2x = 5 - 3y, x = 5 - 3y / 2। या तो आप स्टेप वन में y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, पहले तो आपको ये करना है, ठीक है ना। जो ये वैल्यू आएगी x और y की, इसको आप क्या करोगे, इसको आप स्टेप टू में जो x या y की वैल्यू आएगी उसको आप पुट करोगे, एनी ऑफ द इक्वेशंस, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेकंड में पुट करी, बट आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप पुट करोगे तो देन आफ्टर दैट that you will get one value। अब जब आप ये करोगे तो आपकी one value आ जाएगी, one value मतलब एक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक इसमें एक्चुअली हमने x और y दोनों जब निकलेंगे तो हमारा आंसर पूरा होता है, बट ये करने के बाद आपका एक आंसर आ जाएगा, या तो x का आएगा या फिर y का आएगा, इन दोनों में से एक, एनी वन, ठीक है ना, इन दोनों में से एक एनी वन वैल्यू आ जाएगी। और जब भी कोई एक वैल्यू आएगी तो उसको नाउ पुट द वैल्यू एक्स और वाई, ये होगा स्टेप थ्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन any of the equation, ठीक है ना, क्लियर। आप फिर x या y जो वैल्यू आपकी स्टेप में आई है, ठीक है ना, वैल्यू रिसीव फ्रॉम स्टेप टू, ठीक है ना, x और y जिस किसी की वैल्यू आई है जो आपने रिसीव किया है स्टेप टू पे, आप उसको थर्ड स्टेप में किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो आपको रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, एंड इन आंसर यू विल गेट बोथ द वैल्यूज। तो स्टेप आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा लेंथी है और कुछ है, बट है बड़ा आसान, सबसे आसान है, एलिमिनेशन से आसान है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये एक की जगह दूसरे की वैल्यू डालना, एक की जगह दूसरे को डालना, सब्स्टिट्यूट, क्लियर। जैसे कोका कोला का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, पेप्सी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोका कोला, या थम्सअप इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोका कोला। अगर कोका कोला नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली इसमें भी सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हो, एक की जगह दूसरे की वैल्यू डाल देते। ये तीन स्टेप अगर आप कर लोगे, पहले स्टेप में आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, फिर दूसरे स्टेप में उसकी वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में डालनी है, ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो वैल्यू आप लास्ट में किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन वन या टू जो आपको क्वेश्चन में दी होगी उसमें डालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको दोनों मेथड से करने, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। अब चलिए इसको हम एक बार ही ना क्विक रिकैप में इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से एक बार ही करके देखते, हो सकता है आपको वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी अल्टीमेटली देखिए इसमें आपको जो चाहिए दैट यू नीड अ प्रैक्टिस। तो इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन से करें, आज कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहा है एलिमिनेशन मेथड की? नो सर।
अब एलिमिनेशन का मतलब ही है कि एलिमिनेट करना, हटाना, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से 2x plus 3y equals to 5, 3x plus 2y equals to 5, इसको हम लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अभी मैं एक बारी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जस्टिफाई हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, क्लियर? तो जस्टिफाई करने के लिए कर रहा हूँ अभी मैं, बाकी इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। इसमें क्या है, 2x plus 3y equation 1 है, 3x plus 2y equation 2 है। अब इसमें आप क्या देखोगे, x का कोशिएंट देखोगे, x के साथ क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे x के साथ क्या रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका नंबर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, इसके नंबर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। Equation 1 with 3 and equation 2 with 2, ठीक है? Equation 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से होगी, मतलब इसको जो है आप इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप पूरी इक्वेशन को, तो इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना ये याद रखना, यहाँ पे मैंने ये साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो साइड भी इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 6x प्लस 3 9y 5 15, आगे इक्वेशन 3, और उसके बाद इसको दूसरे को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 3x plus 2y equals to 5 into 2, ये हो गया 2, ये आ गया आपकी इक्वेशन 4, 3 और 4 में देखते हैं, 6x तो ये करना है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, 3 इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है 6x plus 4y equals to 10। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो मल्टीप्लाई दोनों साइड में होगा, जब माइनस होगा तो माइनस भी दोनों तरफ होगा, बट माइनस जब आप करोगे, एक चीज ध्यान रखना, x के नीचे x की वैल्यू होनी चाहिए, y के नीचे y की वैल्यू होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर आप ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होते, तब सीधे सीधे ऐड हो जाता है, बट हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर 6x minus 6x 0, 9 minus 4y, minus 10, y की वैल्यू क्या आई, 1, क्लियर? अब ये जो ये तो आपने एलिमिनेशन किया है, यहाँ पर इस मेथड को हम इसी इस तरीके को ही हम ये जो इतना पोर्शन है इसको ही हम एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है? एलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 में डाल दें, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या है 1 है,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, मैं बोल ही नहीं था अभी तो, अभी तो सॉल्व कर रहे हैं। अब आ रही है आवाज? यस सर। टू अपॉन टू, ठीक है, वन आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। फिर तो ये हमने ये चीज, ये जो आंसर है, ये एलिमिनेशन मेथड से भी वही आ रहा है, x equals to 1, y equal to 1, और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप चाहो, क्योंकि यहाँ पे भी x equals to 1, y equals to 1 है, बाकी अगर आप चाहो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको इक्वेशन जो दी हुई है उसमें ये वैल्यू डाल सकते हो। चलो एक बार और रेक्टिफाई कर लेते हैं कि फिर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया तो बोर्ड में तो आप श्योर शॉर्ट होना चाहते हो ना, तो रफ वर्क में आप ये कर सकते हो, या फिर रफ समझो इसको। मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए सही है नहीं है, तो हमारी और दूसरी की इक्वेशन 2 थी हमारी, हमारा आंसर क्या है, आंसर है x equals to 1, y equals to 1। अब इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर सही है नहीं है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डालें आप, 1 डालें, यहाँ पे आप y की जगह क्या डालें, 1 डालें, equals to 5, 5 equals to 5 जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर मतलब सही है। यहाँ पे सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी डालें, 3, 1, 2, यहाँ पे हम इनकी जगह क्या डाल रहे हैं, इनकी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना, इनकी जगह इनकी वैल्यू डालो जो आपने आंसर में निकाली है। ठीक है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं जो आपके आंसर आए। तो ये थे आज ये दोनों मेथड मैंने आपको कराए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अगर आप बाय चांस पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी आपको, तो सिर्फ एक मेथड पे फोकस करिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। एलिमिनेशन में अगर किसी को भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप प्लीज 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 मेरे को बताइए, हम इसकी फिर से एक बार क्लास कर लेंगे। क्लियर, अगर एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम है किसी को तो, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो उसकी भी हम फिर से क्लास ले लेंगे एक बार। तो ये आप बताएंगे मेरे को कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे आपकी लर्निंग जो 100% हो, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। और लर्निंग 100% तभी होगी, यहाँ पर बैठ कर वीडियो देखना तो बहुत आसान लगता है, बट इम्पॉर्टेंट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इसको घर में सॉल्व करो। अंटिल अनलेस आप सॉल्व नहीं करोगे आपको मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स जो है खुद से करने वाली चीज है, खुद आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगी। तो प्लीज आप थोड़ा इस चीज का ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बस एक चीज है, एक डिफरेंस है कि आपकी आवाज मेरी जो है, मेरी कॉपी का पेज आप तक पहुंच रहा है, क्लियर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक। बस फिजिकली मैं नहीं हूँ आपके साथ, बट वो भी आप समझ सकते हो कि हम लोग मन से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आप जो है आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप उस पर जो है आप उसको क्वेश्चन करो और आप पूछो मेरे से, तो मैं वो सेशन फिर से लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई वांट टू मेक दिस प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल। मैं इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों को सबको समझ में आए। अच्छा, तो कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो? नैतिक, आपको समझ में आया? यस सर। ओके, दोनों मेथड आए, एक मेथड आया समझ में? सर दोनों। ओके, राज आपको? यस सर। सचिन आपको दोनों मेथड आए, किसी में प्रॉब्लम है? सचिन अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा शिवम, आपको समझ में आए दोनों मेथड, या कोई एक मेथड ऐसा है जो फिर से कराएं? यस सर। दोनों मेथड समझ में आए? यस सर। ओके, अच्छा चलिए। वांश आपको?
यस सर आ गया दोनों समझ में। दोनों समझ में आई होगी आपको? यस सर आ गया दोनों। अच्छा चलिए अब जो है अब ये मेथड आपको समझ में तो आए हैं ठीक है ना क्लियर। इसकी मैं कॉपी भी आपको भेज दूंगा एक बारी आज की क्लास की ठीक। बट इसको समझने का मतलब ये नहीं है आपने इसमें प्रैक्टिस करना है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, बाकी आप अपनी बुक से कर सकते हैं इस चीज क्लियर। क्वेश्चन करना जरूर है, आप ज्यादा मत करो, जितना करा रहे क्लास में उतना प्रैक्टिस करो और उसको पक्का कर लो क्लियर। तो आज इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं ठीक है, और इस आशा के साथ कि घर में आप खूब पढ़ाई करें और खूब अच्छा दिन आपका बीते और खूब आपकी लर्निंग हो आज के दिन ठीक है बच्चे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।